और दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एमपी बोर्ड में आपके जो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम आपके लिए जाने हैं। दोस्तों तो इस वीडियो में हम आपको जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है कक्षा 12वीं विषय इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या प्रश्न बताए जाएंगे कक्षा 12वीं इतिहास के, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। क्वेश्चनों के साथ साथ देख आपको क्या यहाँ पर आंसर भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए समय आपका क्या रहेगा, 3 घंटे रहने वाला है और पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, पैटर्न बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आपके आपका अर्धवार्षिक एग्जाम आता है, पैटर्न सेम बिल्कुल रहने वाला है। तो पैटर्न को पूरा फॉलो करके ही आपको क्या क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पर देख लीजिएगा ये निर्देश दिए गए हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक आपको सभी निर्देशों को पढ़ लेना है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो हमें क्या बताना है, जो मौर्य साम्राज्य था उसके संस्थापक के बारे में हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। फिर आता है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कर देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 ई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं इस तरीके से दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आती है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यहाँ पर क्या स्थायी अगर आपको दिया जाता है तब आपको करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट सचिदानंद सिन्हा लगा आते हैं, तो आपको ध्यान रखना अगर स्थायी आपसे अध्यक्ष पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा स्थाई और अस्थाई दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपके दोनों को ध्यान रखना। अगर आपसे स्थाई पूछा जाता है तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करना है। आगे देखिए नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से के प्राप्त हुए हैं। तो जो सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो जो सम्राट अशोक से हैं उनके प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको आंसर कर देना है, जो कि आपका हो जाएगा 6 नंबर का। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 8400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए, यहाँ पर आपके मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत तो आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT GV मेंस एडवांस के हो, या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। जैन धर्म के अनुसार हमें बताने कि आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, या जैन धर्म आत्मा विषय पर मौन है, या तीनों का तथ्य गलत है। तो आत्मा का अस्तित्व है, क्या है जैन धर्म में जो आत्मा है उसका क्या अस्तित्व है। फिर आता है इंडिका नामक जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्त स्थान दिए गए हैं आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। इंडिका नामक पुस्तक की रचना ने की है, तो मैगस्थिनीज थे, उन्होंने क्या इंडिका नामक क्या पुस्तक की रचना की थी। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, मैगस्थिनीज। ठीक है, मैगस्थिनीज आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको मैगस्थिनीज कर देना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि दिया गया है यहाँ पर, दूसरा अकबर नामक के तीसरे भाग को के नाम से जाना जाता है। तो अकबर नामक का जो तीसरा भाग है उसे हम IN A अकबरी के नाम से भी जानते हैं, IN A अकबरी, आप मैं अकबरी लिख देता हूँ, अकबरी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। फिर तीसरा आता है प्राचीन काल में काशी जनपद की राजधानी थी, तो जो काशी जनपद की राजधानी थी वो थी वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है वाराणसी। फिर आता है कि अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है, तो अभिलेखों के जो अध्ययन को हम कहते हैं पुरालेख शास्त्र, पुरालेख शास्त्र। फिर आता है नेक्स्ट, महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकर थे, तो कितने नंबर के तीर्थकर थे हमें बताना, तो 24वें नंबर के हो जाएंगे, कितने 24वें नंबर के। ठीक है,
प्रातः नेक्स्ट जो कि है महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह वर्ष में चंपारण में किया गया था, तो कौन से वर्ष में किया गया था, तो 1917, ठीक है 1970। प्रातः लास्ट विभाजन के समय भारत के वायसराय थे, तो विभाजन के समय जो भारत के वायसराय थे तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और बाकी आपको जितनी भी जोड़ी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।